पाती में आया। अब पूछा किसका पूछा, लड़की का, लड़कों का पूछा, लड़कों को पूछा तो लड़कों का 2 × 100 = 5 जो 3 × 5 5 से कट गया कि क्या बार कट गया 20 × 20 = 40 पूछे लो 40% विद्यार्थी लड़के ने 60% लड़की। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक, किसी कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक प्राप्तांक 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 71.8। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या है? छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या है? तो वैसे में से ये घटाया हमने तो 73 में से 71.8 घटा दिया तो क्या आया 1.2 अनुपात। 71.8 में से 71 घटा दिया 0.8 पॉइंट से पॉइंट कट गए 4 × 4 = 4 आप तो 3 अनुपात 2 हो गए। देखो ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत ए बघाते हैं n+1 प्लस बी बघाते हैं n+1 बट ए बघाते हैं प्लस बी बघाते हैं हो तो n का मान
और इसका कर दिया तू और एक अभी में भी करी तो बी को एक बगाते प्लस बी का सिंबल करी ए बी बगाते प्लस बी पर बी बगाते हैं का बी भी करेंगे तो बी बगाते हैं प्लस वन दो का इधर कर दिया बराबर दो ए बगाते हैं प्लस वन दो बी बगाते हैं प्लस वन जे भले मान ये मान इसमें से ये घटा दिया तो इसमें से ये घटा दिया लेकिन यही किया तो क्या हो जाएगा ए बगाते हैं प्लस वन प्लस बी बगाते हैं प्लस वन और जे धन ले जाए तो मान के हो जाएगा माइनस बी ए बगाते हैं माइनस ए बी बगाते हैं पूरे बच्चों मालूम को फर्क नहीं पड़ता ना इसमें तो मैंने अब ये ए बगाते हैं ए बगाते हैं इसके पास रख लो इसके पास रख लो ए बगाते हैं प्लस वन माइनस बी ए बगाते हैं प्लस बी बगाते हैं प्लस वन माइनस ए बी बगाते हैं बराबर जीरो ए बगाते हैं को मान ले लिया ए बचा माइनस तो बी बचा माइनस बी बगाते हैं को मान ले लिया तो ये चला गया माइनस का प्लस हो गया तो आगे रखे ये प्लस का माइनस हो गया बी बगाते हैं चला गया खाली बी बचा बराबर जीरो ए माइनस बी पूरे बंद को मान ले लिया यहाँ बचा ए बगाते हैं एक को लिख सकते हैं ए बटी बी बगा जीरो किसी संख्या पर घात जीरो हो उसका मान एक होता है ए बन बी से बन बी कट गया एन बराबर जीरो आ गया आंसर का छोटा पर आप तुम जो करिए दस बता दे उतारना उतारो ना उतारना तो शॉर्ट तरीका से कोई बता नहीं पाई ऐसे क्वेश्चन सॉर्ट के नहीं जाए जाता चार दिमाग सॉर्ट का जाए जाता ऐसा ही नहीं सही है देखो उतारना है बस और तरीका मिले यहाँ पर ए सगा कुछ है कोई गाते नहीं है एक घात मान ले और तुलना करते समान कर दो ए वाला पद ले लिया इसे या बी का वाला इसे इसे ले ए से कट गया बल जरूर चला गया तेरे बराबर जीरो चाहे बीस कर ले सही कोई घात ले बी मान नहीं बी पे पावर है बी बगा देने प्लस वन ना बी से भी कटी है बल दल ले जाएंगे जीरो हो जाए तो एन बराबर जीरो अच्छा नीचे वाले से कर नीचे वाले को दो की जगह लिख सकते हैं एक प्लस एक दो का दो का ये जाएगा बराबर हो जाएगा वन बराबर एक बगा
इसकी जगह बगल जीरो बता रहे बगल ये लेकर के बगल से कैसे बनती है बनती हूँ जब पूरे मन लेकर तुम सौ सवाल लिख या तुम कर ला फिर मास्टर का लिखे जाने लगता है जी हम बड़े हो जाते हैं मास्टर का लिखे जाते हैं बेटा एक बार देते हैं ऐसे सवाल यहाँ पर n प्लस वन चीजें लिखे लो n प्लस टू सवाल वही था टेन का वहां ए था बी का औसत ए बगात एन प्लस टू प्लस बी बगात एन प्लस टू बट ए बगात एन प्लस वन प्लस बी बगात एन प्लस वन हो तो एन का वहां देखो ए बगात एक बराबर ए बगात एन प्लस टू ए से एक ठीक है एन प्लस टू बराबर एक एन बराबर एक माइनस दो बराबर अगर यहाँ थ्री होता तो माइनस टू हो जाएगा तो मतलब ए की पावर पर दो आया है ए की पावर पर कब मतलब ए की पावर पे एक है ना हाँ ए की पावर पे पावर ना एक मान जब वैसा एक ही रहेगी ना हो तो एक जब वैसा कोई क्वेश्चन हो या एक ही रखेंगे जैसे यह थ्री होता ये होता एक बगात एन प्लस थ्री ये होता या पे एक ही रखते या देखते का एक बगात एक या सही कटी जाए तो एन बराबर कितने जाए एक माइनस थ्री बराबर माइनस दो कितने समय की अगला क्वेश्चन देखो ए बी सी का औसत एम है तथा ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर जीरो ए बी धन बी सी हाँ ए बी का औसत कितना दिया बी का औसत
एबीसी का औसत तीनों का दिया एबीसी का औसत एम है एबीसी का औसत सी का औसत एम है तथा ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर जीरो तो ए वर्ग कुमा बी वर्ग कुमा सी वर्ग का औसत बता नानी मिस कर रहा है ना देख औसत दिया है एबीसी का एम तो ए धन बी धन सी यो कितना हो गया क्या धन क्या है एक दो तीन गुणा कर दिए थ्री तो अब ए वर्ग करने पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री का होल थ्री एम का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी स्क्वायर प्लस सी वर्ग टू कॉमन दे दो प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस सी बराबर नाइन एम स्क्वायर बराबर नाइन एम स्क्वायर ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग ट्वाइस ए धन बी धन सी का मान जीरो पूरा जीरो हो गया इसका मतलब ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग बराबर नाइन एम वर्ग ये तो योग है ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग इसका औसत निकालने के लिए तीन और ले लिया तो नाइन एम वर्ग बटे थ्री बराबर थ्री एम वर्ग ये हो गया हाँ बोलना यार हेलो हाँ अरविंद का नंबर बोलना 85 32 89
बाईस चौहत्तर। हाँ सही, धन्यवाद। यदि ए एन वर्ग प्लस बी एन प्लस सी व्यंजक का कोई व्यंजक है तो ए एन वर्ग प्लस बी एन प्लस सी के पांच पदों का प्रथम पांच पदों का औसत ज्ञात कीजिए। एन वर्ग प्लस बी एन प्लस सी के प्रथम पांच पदों का औसत ज्ञात कीजिए। जहां एन वर्ग प्लस बी एन प्लस सी पदों का योग है, एन वर्ग प्लस बी एन प्लस सी पदों का योग है bn प्लस सी पदों का पांच मतलब पांच पदों का योग है। निकालना गया पांच पदों तक तो T1 बराबर और T5 तो T1 प्लस T5 बटी दो कर दिया, दो सौ दे दिया पांच पद तो T1 n की जगह पंद्रह कर दिया तो कितना हो जाएगा n रह जाए खाली 2a माइनस a प्लस b बचे अगर कर एक एक रहो प्लस अब T1 की जगह फाइव रह गया तो पांच दूनी दस ए माइनस ए प्लस बी मैंने इनमें दोनों भाग दे तो देखो ये दस ए और दो ए कितना हो गया बारह ए और दो ए कितना कितना रहेगा दस ए रहेगा और बी ए बी क्यू भी हो गया बट दो का भाग दे दिया यह हमारा फाइव ए प्लस बी हो गया। दे दावा सब करा रहे दाव ते हम अच्छा निकाल लेते तो फिर ही बड़ा है अच्छा किधर है ये लोगों सही है।
ये औरतें अपनी सहेली महेली कोई पढ़ रही हो कहूँ मैं निकाल देते फिर ही पढ़ा कोई भी जन नहीं तुम तो ना निकाल पे हो तुम ना अपने को मास्टर हो रोड़ने की बात थोड़ी कर रहा है मास्टर की बात कर रहा है ना 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 बच्चा ना बच्चा जो मास्टर ने पढ़ रहा हूँ मैं कि मास्टर निकाल दे फ्री क्यों मोबाइल है ना मैं खर्च नेट होने देख लेता और नेट पे अगर नेट में हम बोलने सवाल ना अहमान हुआ ये लेकिन बात तो सही कहानी बनेगी अहमान बनो रहा तो अहमान यहाँ पे हम बोलते हैं ये पढ़ा रहे बहुत धुरंधर लोग बहुत नाम मास्टर ने को पार ना लेना जाता है कितने बड़े मास्टर यार बोलने सवाल ना कौन था अगर मैं निकाल दे तो मोबाइल चलाया कौन जिनका बहुत नाम है इंडिया में नाम चल रहा है जिनका यार पांच सात सवाल में बना के रख दिया फिर मैं निकालता ना मैं निकाल के देते वो नेट में निकाल लेते बगैर नेट के ना निकलता हमने कभी सवाल लगे उनसे जैसे थके आगे पूछे के पढ़े करे मुंह पढ़े करे लागे ज्यादा पढ़े करे निकल मान लिया ना क्यों उठा देता परमात्मा ये सुनगति है मैं देखता हूँ ये तो परमात्मा की गति है कब किसको क्या उठाता है क्या नहीं जानकारी होना एक अलग बात है जो ना उठेगा जानता ग्रहित हो यार कोई ना वहां पड़ेगा तो ठीक लग जाएंगे लेकर एक सरल सवाल पांच संख्याओं का औसत 18 है एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है पांच संख्याओं का औसत कितना 18 एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए औसत 16 हो जाता तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए देखो पांच संख्या का औसत 5 का कुल निकालो 5 × 18 अब संख्या एक छोड़ दे तो संख्या चल रहा है माइनस 4 × कितना हो गया 16 18 × 90 माइनस 16 से 64 घटा दिए तो कितना बचा 26 छोड़ी गई संख्या 26 है लगभग एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी एक तरफ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को एक तरफ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर तय करती है दूसरी तरफ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है तो रेलगाड़ी की औसत चाल
44 फुट से। देखो जब दूरी निश्चित दी हो, दूरी निश्चित हो तो चार तो औसत चार बराबर होता है 2uv/u+v। तो दो गुणा एक तरफ से जाता 40 से गुणा 50 प्लस 50 गुणा मतलब ऐसा लिखा रेंद्र से इसे 90 हो गया। जीरो से जीरो बटे पांच, जीरो से जीरो बटे 400/9 और जी कितना हो गया 400/9 436 और फिर भी 436 किलोमीटर बटे घंटा वैसे चालू किया 4/9 हो सकते 44/9 लिखो उसमें कितनी देर हो गया ये। हाँ हाँ उधर ना देखो 50 संख्या को औसत 36 जब मुझे समझ जरूर आया संख्या को औसत 36 बाद में पता चला एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई है। 50 संख्या को 36 बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई तो शुद्ध औसत क्या है। देखो 50 संख्या का औसत है की तरफ 36 बिल्कुल सही औसत है डायरेक्ट की लाइन में देखो वैसे पहले औसत 50 संख्या औसत 36 है। अब ये देखो संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई 48 के स्थान पर ली गई 23 तो ज्यादा लेना था लिया था कम लिया है तो औसत में वृद्धि होगी समझ लो ध्यान से और अगर ज्यादा लिया तो औसत में कमी होगी तो ज्यादा लेना था लिया कम तो अंतर कितने का है 25 का है तो वृद्धि हुई निश्चित कम लो तो प्लस जोड़ दो प्लस सके 25 कम लो लेकिन निकालना है औसत है कितने संख्या में औसत है 50 का तो जब 50 हो गया था
36 प्लस 2 करके 0.5 पर 0.5 वृद्धि आएगी, इसका 36.5 आ गया। हाँ वेट कर बात ही गई। सवाल अगर आपकी सही हुए तो आप अपने आप फट बना सकते हो। ट्रिक के बहु ने रटे हुए तो याद नहीं रहते सिर्फ उतर के दिमाग से। सवाल अगर आपके दिमाग में तो उससे बनी फिर देखो सवाल सही में ना आए तो उतारने की कोई खास बात नहीं। समय वैसे सवाल 50 संख्या 48 के स्थान पर कितनी लिखी गई? 23। इसका मतलब लिखना था 48 और लिखा कितना? 23। तो कुछ कम लिखा, कितना कम लिखा? 25। बता दिया 48-25 कम लिखा। अगर 25 ज्यादा लिख दे तो मान 36 ज्यादा आता नहीं आता। ज्यादा आएगा तो प्लस लगाएंगे, मान कम आएगा तो माइनस लगाएंगे। तो ज्यादा आना चाहिए था मान, इसलिए प्लस लगा दिया। अब मान कितना आ गया था? जब 25 मान जा रहा था लेकिन औसत मान कितना ज्यादा आता तो औसत मान के लिए संख्या कितनी 50 उसका भाग दे तो 25 50 इसलिए 50 का भाग दे दिया 0.5 भाग गया। ऐसा कर बोल रहा हूँ मैं एक लगभग 20 उतार लो भाई। तो ऐसा ही बोल रहा हूँ अपने आप को पूछना होगा। 20 संख्याओं का औसत 24 पाया गया। इसमें एक संख्या साठ के स्थान पर 30 ली गई है। एक संख्या 60 के स्थान पर 30 ली गई तो शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। लेना था 60, लिया है 30। संख्या है कि नहीं? तो 20 को माफ नहीं, इतनी संख्या हम तो नहीं करा लेते। संख्या औसत कितना लिया? 24 लिख लिया। अब संख्या जो है 60 के स्थान पर 30 लिया गया, इसका मतलब कम लिया गया तो गारंटी के औसत में वृद्धि आएगी। वृद्धि आएगी तो प्लस, तो 60 और 30 का अंतर देखे तो 60 डिफरेंस 30 बराबर 30 कम लिया गया, 30 लिख लिया और संख्या 20। टोटल संख्या कितनी? 20। 0 0 कटेगा, 2 3 1.5 कट गया, जुड़ गया 25.5 आ गया। सही हो तो 25.5। एक थोड़ा सा अंतर वाले
देखो 40 संख्या का औसत 50 है, जिसमें एक संख्या 20 के स्थान पर 100 ली गई, 20 के स्थान पर 100 ली गई, तो सही औसत ज्ञात करो। हेलो, नमस्ते, पूरी लिखी है जी, माइनस करके और 40 को बाद कर सुई आ जाए। साइड बिजी है ये, फॉर्म डाल रहे हैं फिर। तेरा तो कल डाल रहे, आज हम डाल भी जा रहे थे फॉर्म, आज का रात में डर रहे हो, सवेरे डर रहे हो, ना रात में जा रहे हो, मुझे तो खराब है। रात को गुना फीस ना कटेगी? फीस तो सवेरे ही कटेगी, तुम डर रहे हो? दो दिन और मिलेगा का तो सोई तो कल होंगे या फिर तो सही संख्या को चली या नहीं का है लेट का लेट जाते मत ये जो और सुबह मॉर्निंग में 30 तो कोई कटा दिया। सोई तो आज तुम्हारे को या डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया ही हो और पैसा दे दियो 30 काट दियो। आज जाएंगे पहले सोई जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पहले जाना चाहिए, 20 तो कट जाते हैं। आर्टिकल 343 में हिंदी में संशोधन हुआ, तो हिंदी को तो संशोधन नहीं हुआ था उसमें। 343 से 351 तक आर्टिकल है हिंदी के, जो भाग 17 में पढ़ते हैं हिंदी। 343 में हिंदी को हुआ है बोल जाती है। 44 में पत्रा आज जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में राष्ट्रभाषा नहीं बोलते इसको, राजभाषा बोलते हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा का कहीं भी राजभाषा, सॉरी राजभाषा 343 में जी आई यूपी से चेक में संगीत का है जो आता भी बहुत समय बनारस का नाम धराना लखनऊ का नाम धराना, ये सब याद ही नहीं दवा से पढ़ाता था। बड़ी ना पा रहे, दादी ना ले पा रहे, वे वो
उगाने के इसको फायदा करता और दिन में मेहनत में लगी सफल बने तो रेगुलर रहेंगे तुम तो पास में रहती हो रेगुलर बुआजी रेस में रह गई होती आप रेस में रह गई ना तो फिर मतलब फिर कैसे लगे अल्लाह मां लगे हैं तब हां मैंने कह रहे हम तो पकड़ जाएंगे चाचा जी कोई दूसरा नहीं वो ये कह भाई मोर एक चैन चले हम दोबारा करें बताओ मां जल होने का टिकट लगा पकड़े हैं अच्छा उम्र ज्यादा लगा तो जी पॉजिटिव ले आए हम पकड़ जाओ तो रोग ना लगवा के छुट्टी चले के मित्र हो जाएंगे तो पर डालना मैंने पहले डालेंगे फिर आज की नेगेटिव डाली हम फोन पकड़ जाओ तुम्हारा हां सही बात है तो दोबारा तुम्हारा बहुत बार करी थी मेरे बहुत पता नहीं होते एक संख्या 20 के स्थान पर 100 ली गई ज्यादा ले गई तो ज्यादा ले गई है तो इसका मतलब कम आएगा तो मन घबरा लिया और अंतर कितना कितना ज्यादा ले गई 80 में मैंने भाग दिया था संख्या कितनी थी 40 दो बार घट गया दो कम हो गया तो आता है ठीक है एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं कुछ लाल तथा शेष सफेद एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया प्रति गेंद है जिनमें से कुछ दाल तथा से सफेद है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया कुल गेंद है 10 = 10 कुछ लाल और शेष सफेद कौन क्या कह रहा है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 लाल गेंदों का 25 और लाल का कितना 25 सफेद का 30 तो सफेद गेंदों की संख्या 6 देखो यहां लिख लो लाल यहां लिख लो सफेद और यहां लिख लो औसत लाल गेंद को हमने कितना दिया है 25 सफेद का कितना दिया 30 औसत दिया 28 2 3 में 28 घटाया लिखो आगे 2 अनुपात
और जे तो अठारह तो पच्चीस घटा दी थी तो लाल और सफेद गेंद मेरे पास कितना दो मेरे पास तीन का और गेंदों की संख्या कितनी पूछी सफेद की और टोटल गेंदे कितने दस तो सफेद गेंदों की संख्या बताओ सफेद गेंदों बराबर दस गुना सफेद गेंद का अनुपात थी बच्चे अनुपात ये हो तीन तो पांच पांच दोबारा कट गया तीन बटी छह हो सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक औसत तापमान 34 मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा बृहस्पतिवार का तापमान याद करो सोम से बुध तक 37 मंगल से गुरु 34 और गुरु बराबर क्या दे रहा गुरु बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 तो 4/5 गुरु का तापमान ज्ञात करो क्वेश्चन मार कर देखो
मंगलवार से बुध, इसका मतलब सोम धन मंगल धन बुध कितने रहेगा औसत दिया कितना 37 तो कुल कितना हो गया 3 × 37 बराबर 11 और मंगल धन बुध धन बृहस्पति गुरु 3 × 34 हो गया 102 घटा दिया 100 + 2 बचा। देखो मंगल से मंगल कट गया, बुध से बुध कट गया, सोम माइनस गुरु आया, सोम माइनस गुरु बराबर 9 आया, सोम माइनस है ना, गुरु बदल ले तो गुरु बराबर ये माइनस का हो जाए, गुरु बराबर कितना हो गया 100 ये ऐसे लिख रहे हैं। अब देखो क्या ले रहा, गुरु को पूछना सोम को पूछना है गुरु का, तो ये मान चार मिनट पांच इधर ले जाओ तो सोम बराबर हमारा हो गया 5/4 गुरु, तो सोम की 5/4 गुरु माइनस गुरु बराबर 9 5/4 में एक घटा दी, एक गुरु मान लो, एक गुरु मान एक एक मान घटा दी 1/4 1/4 गुरु बराबर 9 तो गुरु बराबर 4 का गुणा हो जाएगा 9 जब 36 हो गया। जैसे आजादी वैल्यू जहां से निकालने तो निकल तो आएगी शब्द है गुरु बराबर 4/5 तो हमारी निकल जाए गुरु बराबर 4/5 तो ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ लिख देंगे सोम माइनस 4/5 सोम बराबर नौ सोम की रखे रखी जाए कितनी रखी जाए 5/4 गुरु सोम का मान कितना दिया हुआ 5/4 हो गया तो 5/4 गुरु मान तो खाली गुरु बताएगा 1/4 गुरु तो बचाओ। अगर हमें ये तो दे रहा है गुरु बार का तापमान सोम बार के तापमान के 4/5 है तो सोम का मान निकाले तो उन 5/4 है ये या ऐसे निकाल लिया सोम का मान जैसे आप ये रखना चाहते हो ये तो सही आप भी रखना चाहते हो सोम की जगह सोम और गुरु की जगह 4/5 सोम तो 5 सोम में तो एक सोम भी आता है 1/5 सोम बचा बराबर 9 तो सोम बराबर 9 बन जाए तुम्हारे को मुझे याद रखने चल जाएगी तुम्हारी किताब में क्या बनी है मैं ध्यान नहीं से बात इसके अंदर तुम्हारे जैसे आ गया कि अपने जैसे 4/5 है तो हमने रेशियो निकाल लाया ना वकील तो ना निकाल रहा जब निकाल रहा है रेशियो रेशियो जो वो तो लक्ष्य सिद्ध करेगा दिखाओ तो जो चीज गड़बड़ी होगी बात सिद्ध सवाल में संतुलन ना होता व्यक्ति और संतुलन करता है देखो आप बताए हमने रखा जागो तापमान जो है सोमवार को 45 और गुरुवार को 36 रह रहा तो इक्वेशन क्या है गुरु बराबर 4/5 सोम तो 4/5 गुणा सोमवार को 45 5 × 12 = 36 इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन सही बिल्कुल उतारे बार फिर उतार रहे
कोई दिक्कत नहीं होता है सर के मतलब 1 मिनट जाते से है कर यम 5 मिनट बराबर क्या दिया हुआ हमारा 4 मिनट 5 2 सो 2 को कर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 5 मिनट 4 गुरु हो जाएगा सो 2 को की जगह लिखता 5 मिनट 4 गुरु माइनस गुरु बराबर नो 5 मिनट 4 में खाली गुरु तो कोमल ले लेंगे बचा बचा भिन्न बनेगी 5 मिनट 4 में भिन्न बनेगी एक घटाएगा तो ए बटे ए बटे 4 को ए बटे 4 गुरु बराबर नो तो गुरु बराबर 4 तो ले जाएंगे अब देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम आपको सेगमेंट की थोड़ा सा बताएंगे सूत्र लिखा था हाँ सूत्र 10 मिनट या 5 मिनट त्रिभुज चतुर्भुज और मेन सूत्र यही आता मेरे ख्याल त्रिभुज तो मैं सादा सरल तुम्हारी बनाएंगे आए तो मैं तो मेन सूत्र ये साथ था हाँ सब पहले डालो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई और बंद आकृति आकृति बंद भी होनी चाहिए तो त्रिभुज कहता है लिखा लो पढ़ लो तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होंगी तीन शीर्ष कितने होंगे तीन कोण कितने होंगे तीन तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोणों का योग 10 किया ठीक इसका सूत्र भी होता है सूत्र क्या होता है सिग्मा थीटा बराबर 2a - 4 × 90 यानी क्या भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या जी आपका टेस्ट बढ़ते ऐसा इसमें भी काम देगा मास्टर में तो है ही उसमें भी काम देगा तो एन भुजाओं की संख्या तो जो एन बराबर 3 तो भुजा तो एन बराबर 3 तो कितना होगा 3 दूनी 6 में से 4 गए 2 × 90 बराबर 130 आ गए अगर चतुर्भुज होता तो एन बराबर 4 लिख लेते 4 दूनी 8 8 में से 4 घटा दिए 9 मुझे 4 × 90 बराबर 360 इसी प्रकार से पंचभुज का सप्तभुज का अष्टभुज का आदि का निकाल सकते हैं। अब देखिए अभी मुझे कराना त्रिभुज है आज त्रिभुज खत्म मान गया जी बहुला तो खत्म ही करा देखिए बहुला याद हो जाएंगे आपको फिर क्वेश्चन कराया करेंगे देखो त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है वर्गीकरण के प्रकार दो एक भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार और नंबर दो कोणों के आधार आधार पर भुजाओं के आधार पर भी तीन त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर भी तीन ही होते हैं भुजाओं के आधार पर के आधार पर भुजाओं के आधार पर तो भी तीन प्रकार के होते नंबर एक समभाव नंबर दो समद्विभाव समद्विभाव नंबर तीन विषमभाव समभाव समद्विभाव विषमभाव
इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी, तो तीनों कोण ही बराबर होंगे, नहीं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश, समझते बाप दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर ए बराबर बी, इसका मतलब कोण ए बराबर कोण बी, नोट करो, अब सम्भाव त्रिभुज का परिमाप, पहली वाले का परिमाप p बराबर कितना होगा, चलिए 3 गुना भुजा, 3 गुना एक भुजा मान लो उसका 3 गुना कर दो तो उसका परिमाप निकल आता है, अब लिखो सम्भाव त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल a बराबर अंडर रूट 3 बटे 4 भुजा वर्ग, तो समझ बात अभी का परिणाम कितना हो जाएगा, समझ भाव का हो जाएगा 2a प्लस बी एक हो जाता जो बराबर हो जाए उसका दोगुना, इतनी से भी जोड़ दी, अच्छे तो लंबे डाल के निकाल लेते हैं, कोई अवस्था लंबे डाल के निकाल लेते हैं, विषम भाव में क्या होगा p बराबर a प्लस बी प्लस सी, विषम भाव क्या होता है इसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, इसलिए कोण एंगल a इज नॉट इक्वल टू एंगल b इज नॉट इक्वल टू एंगल c, ये विषम भाव, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है s,
देखो निकाल के बता दे देखो समझवाद में ये है वाला ए डी दो बजा बराबर ये बजा ये बजा एक बराबर है जी बराबर है इसका मतलब डाल दिया जी लंबा है देखो संभाव समद्विबाहु बनी हुई संभाव समद्विबाहु बनी हुई संभाव समद्विबाहु बनी हुई आधार पर डाला गया लंब आधार पर डाला गया लंब आधार को समान दो भागों में बांटता है आधार को समान दो भागों में बांटता है देखो अब देखिए अपने माना ये भैया बराबर तो भैया बराबर होती तो ये बी बी मान लिया ये मान लिया तो ए वाली कितने ए वाई कितने अब निकाल ले हमको ए डी बराबर क्या होगा लंब डाल दिया तो सब कुछ नहीं बनेगा कर्ण के वर्ग में से हम इसका वर्ग डाल दे तो लंब का वर्ग आ जाएगा ए डी बराबर अंडर रूट बी वर्ग माइनस ए वाई टू का वर्ग कर दे तो ए स्क्वायर वाई फोर तो ये हो गया हमारा फोर बी वर्ग माइनस ए वर्ग बटी दो चार वर्ग से बाहर निकाल लिया दो रह गया अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एक बटा दो लंब गुणा आधार किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक बटा दो लंब गुणा आधार आधार कितना है हमारा अपना ए एक बटा दो ए और लंब कितना है हमारा फोर बी वर्ग माइनस ए वर्ग बाई टू A2 फोर हो गया तो एक बटा चार ए अंडर रूट फोर बी वर्ग माइनस ए वर्ग जो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा आगे कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार है कौन कौन सा न्यून कोण न्यून कोण त्रिभुज इसके तीनों कोण न्यून कोण हो तीनों कोण न्यून कोण तीनों कोण न्यून कोण इसका निर्धन क्या होता ए वर्ग प्लस बी वर्ग ग्रेटर देन सी वर्ग तो न्यून कोण होगा दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक हो क्या हो गया दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग
तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक हो तो नील कोण होगा। सब कोण एक कोण सब कोण एक कोण 90 अंश का हो का ए वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर सी वर्ग दो भुजाओं के वर्गों का योग इसी भुजा के बराबर। तीसरी बात अधिक कोण त्रिभुज एक कोण अधिक एक कोण अधिक कोण हो इसमें क्या सी स्क्वायर गिल्टा दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये गिल्टा दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम से क्या होगी बड़ी भैया का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के योग से अधिक हो बड़ी भैया का वर्ग शेष दो बड़ी भुजाओं के वर्ग के योग से अधिक हो। अब त्रिभुज बनने का प्रतिबल त्रिभुज कब बनता है देखो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी त्रिभुज बनने का प्रतिबंध त्रिभुज बनने का प्रतिबंध ए प्लस बी ग्रेटर देन सी दो छोटी भुजाओं का योग दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से सदैव अधिक तो छोटी भुजा भयो तीसरी बड़ी भुजा से सदैव अधिक हो तो एक त्रिभुज बनेगा। तो एक त्रिभुज बनेगा याद करना कल से थोड़ा सा तुम्हें बताएं पॉपुलरिटी क्वेश्चन आते हैं। क्लास बदल दो मोबाइल में।